अगर जो काम नहीं करने आपको तो मना कब कर। अब आओ आगे बढ़े सामने गई ऐसे एक बार भगवान ने कन्हई और सुदामा सांदी पर के यहाँ पर शिक्षक हेड कर रहे थे। शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक बार गुरमा कहने लगी श्याम ये मूल के लिए कुछ भी नहीं है। कहने लगे माँ अभी हम गए और अभी आए सुदामा भैया को लेके जाते लकड़ी लेने के लिए चले तो गुरु भैया ने थोड़े से चने दिए सुदामा ये चने ले जा और जब भूख लगे तो दोनों भाई जब लेना। लकड़ी लाने में हो गई मगर शाम पानी भी पड़ने लगा लौट न पाए श्याम। माह का महीना बड़ा तेज ठंड पड़ रही है पानी भी बरस रहा है आहा हुआ ऐसा। जब गए हैं तो पानी बरसने लगा एक पेड़ पे चढ़े शाम हो गई सुदामा को भूख लगी चने निकाले और चपने लगा। एक बार वो दिमाग में आई कन्हई उगा दे सोची ते है उन्हें जो कन्हई उगा दे लाओ अकेले चबले चना कोई ऐसी चीज तो है ना जो अकेले चबले चुपचाप चबियो तो आवाज हुई है। जो आवाज सुनी श्याम सुंदर कहने लगे सुदामा भाई बड़ा तेज भूख लगी कचोए बाबू दे दे मोहन ने कट कट सबद सुना तो बोले दादा क्या क्या करे।
सुदामा ने कुछ खाने को दिया, बोले नहीं भैया। तो गुर माता ने जरूर कहा था, सुदामा तूने बहुत बड़ी कमी करी। गुर से कपट मित्र से चोरी, क्या हुई मेरा धन क्या हुई चोरी। जो गुर या मित्र से चोरी करते हैं या कपट करते हैं वो हमेशा दुखी करते हैं। तो जब रहने लगे, गुरु शिक्षा पूरी हुई है, श्याम अपने घर के लिए चले, सुदामा अपने घर के लिए चले। श्याम सुंदर कहने लगे, भैया अगर कोई परेशानी है सुदामा तो हमारे पास चले आ गया। कहने लगे सुदामा अपने घर पे गए, शादी भाई तो बच्चा भाई तो गरीब है, कितने बड़े गरीब, इतने बड़े गरीब हुए सुदामा कि एक घर मांगने जाए 10 घर मांगे मगर कभी भी इतना आटा नहीं मिला जो भोजन से पेट हो जाए। वो ऐसा और देख के भाई गरीबी में कोई किसी का नहीं होता, गरीबी में सब साथ छोड़ जाते हैं भक्तों, गरीबी में कोई किसी का हो ही नहीं सकता। जरा ध्यान दें, हमारे पास 51 रुपए भिजवा रहे हैं श्री विजय सिंह सख की धर्म पत्नी, इनकी तरफ से 51 रुपए आए। भगवान से दुआ करते भगवान इनकी जिंदगी में दौलत की वर्णा करे रहे। जरा ध्यान दें, 51 रुपए हमारे पास भिजवा रहे हैं श्री राम दयाल सख, इसी गांव के रहने वाले, इनकी तरफ से 51 रुपए आए। भगवान से दुआ करते भगवान इनकी जिंदगी में दौलत की वर्णा करे रहे, दीर्घाय बनी रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहे। देखिए भक्तों, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता, गरीबी में सब साथ जुड़ जाते हैं, अधिकारी व्यवहारी रिश्तेदारी घरवारी सहारी सब जुड़ जाते हैं। हाँ, पैसा की चपेट में खुशामत करनी हो, बुरे बोले बोल बल्कि बोलन को सहनो हो, पेट पैसे के खातर लोग ये तो बुराई लेते, पैसे के खातर लोग बारीक बूढ़े को ले पैसा।
देख के भक्त तो गरीबी में तो सभी साथ छोड़ देते हैं। बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो किस्मत हजार। सुदामा बहुत बड़े गरीब हुए। एक बार इनकी पत्नी रोने लगी, कहने लगी, हमने न जाने कौन से गलत काम किए जो इतनी बड़ी गरीबी देखने को मिली। सुदामा कहने लगे, तुम्हारा दोस्त नहीं, दोस्त तो मेरा है। आज जो द्वारिका के राजा बने बैठे, ये हमारे बचपन के मित्र हैं। अपने शुभ कर्मन से विवहे द्वारिका राज, मैं टुकड़ा के पास पे फिरता हूँ। हम और कन्हैया बचपन में पढ़ा करते थे, ये बात याद करके आंसू बहाए, कहने लगे सुदामा, गले में गए लेने लगे गुड़मैया ने चला गई। अरे एक दिन में गए लेने लगे गुड़मैया ने चला गई। बोल नी जने ओ मेरी प्यारी, अरे अकेली जा गई। हम पास भी बचपन में हम जब पढ़ा करते थे। एक बार लकड़ी लेने के लिए गए तो गुरुमाते चने दिए थे, वो मैंने छुप करके जब ले, उसी वजह से आज हम इतने बड़े गरीब हैं। जो जब बात सुनी सुशीला कहने लगी, महाराज भगवान कन्हैया से झूठ बोले, तुम उनके द्वार पे चले जाओ। धन मत मांगना, दौलत मत मांगना, अपनी भूल की केवल माफी मांग के चले। सुदामा कहने लगे, भामिनी क्यों दूसरे के दरवाजे में बहस नहीं हुई। सुशीला कहने लगी, महाराज दूसरे का द्वार बताते, उस द्वार बता रहे किसी का हक है। जरा ध्यान दे, 51 रुपए हमारे पास जितवा रहे रतन सिंह, चंदन सिंह, चौकीदार, इनकी तरफ से 51 रुपए आए हैं। भगवान से दुआ करते भगवान हमेशा आगे बढ़ते रहे, घर में दौलत की भंडार भरे रहे। बहुत बड़ी कमी है कि हर बार संज्ञान में पड़ते। सुशीला कहने लगी, महाराज वो किसी और का द्वार नहीं, उस द्वार का तो हर किसी का हक है। जिन पर दुनिया की आशाएं तोड़ी तो
सुदामा कहने लगे चला तो जाऊं, लेकिन गुरु पिता मित्र के घर पे जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते भावे, क्या करें बहुत बड़ी मजबूरी। कहने लगे क्यों मुझे किसी के द्वार पर भेजती हो, कहने लगे महाराज उस द्वार पर बाहर किसी की आस, कहने लगे कोई बात नहीं गुरु पिता मित्र के घर पे जब जाते तो खाली हाथ ले जाते, हमारे पास तो इतना भी नहीं है जो मैं ले जाए। कहने लगी महाराज अगर ऐसी बात है तो रोको हम अभी गए और अभी आए। एक बगल वाले घर में भी कहने लगी दीदी तुम्हारे घर में तो छोड़ हमें देते, क्योंकि आज हमारे पति देव अपने मित्र कृष्ण से मिलने जा रहे। वो कहने लगी क्यों बस तो लेडी सा वो कहने आई आज भेज चली आई गेट से बाहर हो बेचारी दो चार घर में घूम ही लेकिन किसी ने नहीं दिया। उसी की तरह गरीब औरत रहती थी। देखिए भक्तों गरीबी का दुख केवल गरीब ही समझता है, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी भी कहा जाना गरीबी कैसे होते। एक गरीब के घर पे गई कहने लगी बहन तुम्हारे घर पर हो तो कुछ दे दो हमारे पति अपने मित्र से मिलने जा रहे। कहने लगी बहन थोड़ी देर पहले आ जाते तो ज्यादा मिल जाते, अब हमने चावल बना ली टूटे फूटे तो मुट्ठी डर के फिर ले जाओ। कहने लगी बहन चावल ला करके सुदामा को दिए। कहने लगे महाराज ये चावल ले जा करके श्याम को देना और एक बात और कहना Thank you.
सोचने जा रहे हैं भगवान किसी को गरीबी मत देना, क्योंकि गरीब कोई किसी का नहीं होता। जिसने कभी अपशब्द नहीं बोले हो, जिसने कभी चोरी नहीं की हो, अमीर आदमी गरीब को भी चोर बता देता, केवल गरीबी का कारण है। महादुख हाय सका इतना आई कि तेरे न हो।
ज्यादा दबाएंगे। देखिए एक बात का ध्यान रखें, माता बहन जरा ध्यान रखें, जैसे ही मुट्ठी की वो चावल की कोटली दबा के नहीं, हमें छठ का मार करके पोटली छीन ली, चावल कमने